क्या मन है बेटा? लड़की पसंद है? अरे मेरी माँ चाह तो किताब छोड़ दे। क्या माँ? पसंद है तो बात कर। तो भाई साहब, लड़की से पूछ लीजिए, अगर हमारा अमित पसंद है तो हम बात आगे बढ़ाएं। अरे भाभी जी, इससे क्या पूछना, हम लोगों को जहाँ पसंद होगा वहीं कर लेंगे शादी। अरे गुंजा, लड़के में रची भी नहीं रही, जरा बात पे पूछ तो दीजिए से। चुप रहो। भाई साहब, हमें अमित बेटा बहुत पसंद है, तो लड़की लड़का अपना 5-10 मिनट बात कर लें, एक दूसरे को जान समझ लें, तब तक हम लोग भी कुछ लेन देन की बातें कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं भाई साहब। गुंजा जा, अमित बेटा से कुछ बात बात कर ले, देख ले। देखिए भाई साहब, अमित हमारा अकेला लड़का है, सरकारी बाबू है और IAS बनने की तैयारी भी कर रहा है, तो 22 लाख में तो शादी तय ही होनी चाहिए। अरे भाभी जी, 22 लाख कुछ ज़्यादा नहीं हुए? अरे भाई साहब, अब आप ही कोई दया दृष्टि डालिए, 22 लाख मतलब घर जमीन गिन जाएगा। वैसे आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए? ये क्वेश्चन तो मेरे पापा को होना चाहिए था, आप पूछ रहे हैं। देखिए भाभी जी, 20 लाख रुपए में अगर आपको तय करना है तो हाँ बोलिए, 2 लाख रुपए बहुत होते हैं कम करने के लिए। अब कल को शादी के बाद हमारा लड़का अगर IAS बन जाता है तो फिर बाद में तो आप दहेज देंगे नहीं। ठीक है भाई साहब, फिर हमारी तरफ से हाँ है। अरे इधर उधर से करके हम लोग के पास 15 लाख ही तो हो पाएगा जुगाड़। तुम चुप रहो, इतना अच्छा रिश्ता इतने में कहाँ मिलेगा? सरकारी बाबू है, ऊपर से IAS की तैयारी कर रहा है। वैसे आपके हॉबीज क्या क्या है? मुझे ना कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। तो मतलब अगर हम आपको गुलाब की जगह कहानियों की किताब गिफ्ट करें तो आप ज्यादा पसंद करेंगे? हाँ कह सकते हो। ठीक है भाई साहब, हमारी तरफ से हाँ है। गुंजा बेटा, बातें हो गई हो तो आ जाओ। मम्मी, हम यहां से जाने से पहले आपसे कहे थे ना कि मुझे शादी बिना दहेज की करनी है, फिर क्यों आपने इतनी बड़ी डिमांड रखी हो लोगों के सामने? तुमने पाल पोसकर बड़ा किए हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, तब कहीं जाकर ये सरकारी नौकरी मिली है। फ्री में पैसा नहीं मांग रहे। मम्मी बात आपकी सही है और मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, आप लोगों के लिए तो हमेशा छोटा ही रहूंगा ना। अब आप खुद सोचिए कि उन्होंने भी तो अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है। आपको अगर पैसे की जरूरत थी तो आप हमसे कह देती, उन लोगों से पैसा मांगने की क्या जरूरत थी? यहां बैठकर मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? जाओ पीछे कमरे में, तुम्हारे पापा लेटे हैं, उन्हीं से जुबान लड़ाओ जाकर। सही बात कोई समझता ही नहीं है, समाज में जो चल रहा है वो सबको वही करना है। एक बात बताइए, ये 20 लाख रुपया कहाँ खोद के गाड़े जो बिटिया की शादी में निकली?
अरे इतनी बड़ी जिंदगी में बेगुआर ही तो कमाया है, अब प्रधान जी कुछ मदद करी है ही, फिर खेती बाड़ी का पैसा निकली धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। से लड़का तो हमको भी सीधा और सुंदर लगा। अरे लेकिन ये रिश्ता अभी से तय मत मान के बैठ जाना, जोरावर दो तीन जगह और रिश्ते की बात कर रहा है, जहाँ समझ में आएगा वहीं करेंगे अपनी गुंजा की शादी। वहाँ तो गुंजा और अमित का नंबर अदला बदली करा दी हो रहे। अरे ये सब करना पड़ता है तभी तो शादी तय मानी जाएगी, वरना सामने से मना कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग। जोरावर खुद लालची है, लालच के चक्कर में यह 40 साल का लड़का बैठा है, शादी नहीं हो रही है। ये ले लैया चबाओ, कम से कम उतनी देर चुप्पे बैठी हो। बस तो हमने सामने शेर बनी हो। मौसी अब पापा नंबर एक्सचेंज करवा दिए हैं तो मुझे तो लगता है शादी फिक्स ही होगी। वैसे कब आएंगी मौसी आप? मौसी आपको मम्मी से बात करनी है तो आप पापा वाले नंबर पर फोन कर लीजिए, मेरी एक फ्रेंड रागिनी का फोन आ रहा है। हेलो, नंबर भेज जा रहा था तुम्हारा। आज कहानी को किताब छोड़कर किसे लगी थी? वो मौसी को पता चला ना कि शादी फिक्स हो गई है तो वही की थी फोन। अच्छा गुंजा, वो मैं सोच रहा था कि कहीं साथ में मॉल घूमने चलें क्या? अरे हम गांव में रहते हैं, अगर गांव में पता चल गया ना तो बवाल कर देंगे और जीना हराम करेंगे उल्टी सीधी बातें करके, वो अलग। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहानी की किताब देखकर बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, देखकर थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे, बाय। और फोन रख के भूल मत जाना यार, फोन कर लेना। चलो बाय। हाँ नरेश भाई, क्या हाल चाल है? अरे जोरावर, जब तक बेटी की शादी एक अच्छे घर में नहीं हो जाती तब तक एक बाप को चिंता ही लगी रहती है। भाई साहब, अपनी गुंजा बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखे हैं, लड़का सचिवालय में समीक्षा अधिकारी है, सरकारी बाबू उसके आगे कहाँ टिकेगा। अरे भाई, तब तो उनके दहेज के नखरे 30 लाख से ऊपर ही होंगे। अरे नहीं भाई साहब, जितने में आप सरकारी बाबू फिक्स करके आए थे ना उतने में ही मिल जाएगा ये। तो जोरावर भाई, उधर शादी को मना कर दें क्या? हाँ बिल्कुल भाई साहब, रात तक फोटो व्हाट्सएप पे भेज देंगे लड़की की। हाँ हाँ, तब तक हम बात भी कर लेंगे इस बारे में कमला से। अरे ठीक है भाई साहब, अभी हम जरा बाहर हैं, घर पहुँच के आपको फोटो भेजते हैं। हाँ नमस्कार। खाने के समय चाय पी रहे हो तो खाना कब खाओगे? मम्मी आप मेरा खाना निकाल के रख दीजिए और आप लोग सो जाइए, मैं खा लूंगा। अभी तो गुंजा से भी बात करनी होगी है? कमला, गुंजा कहाँ है? किताब पढ़ रही होगी। चलो अच्छा ठीक है, बैठो इधर। कमला, अपनी गुंजा के लिए उतने ही दहेज में समीक्षा अधिकारी लड़का मिल गया है। अमित, अगर हम आपको इतना पसंद आ गए थे तो दहेज कम करने को क्यों नहीं कहा घर वालों से? पता है पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में रात भर सो नहीं पाते हैं घर वाले,
गुंजा, घर में केवल हम ही पढ़े लिखे हैं। अब माँ बाप तो यार समाज के हिसाब से ही चलते हैं। हम समझाए थे उनको, वो है कि समझने को नहीं तैयार है, क्या करें। सही है, फिर खाना खा चुके। और यार तुम दहेज को लेकर टेंशन मत लो, एक बार शादी हो जाने दो, बाकी का जो कर्ज होगा वो मैं उतार दूंगा। अरे जब कर्जा ही लेना है तो क्यों ना समीक्षा अधिकारी लड़के पे लगाए। हाँ लेकिन ये लड़का हमको कम पसंद आ रहा है, लड़का वही सुंदर है। अरे तुम अपनी ना बताओ, कुंजा को बुलाओ, उसको भी फोटो दिखा दिए जाए बस। इससे पहले आपकी शादी कहीं देखी गई थी? गुंजा, ए गुंजा, तो सक है लग रहा है मम्मी बुला रही हूँ। पापा मुझे नहीं पसंद है ये लड़का। बेटा तुमसे पूछने के लिए नहीं बुलाए हैं, बताने के लिए बुलाए हैं कि नंबर डिलीट कर दो उस लड़के का, कल ही मना कर देंगे उसको शादी के लिए। इसी लड़के से होगी शादी तुम्हारी, ना पसंद हो तो पसंद कर लो। पापा आप गलत कर रहे हैं, मुझे समीर पसंद था लेकिन वो बिजनेस में इन्वॉल्व था। आपने कहा नहीं करेंगे ऐसे तुम्हारी शादी, इसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। फिर अमित छोटी नौकरी करता है, बड़ी नौकरी वाले से शादी करेंगे तुम्हारी। लेकिन पापा आप गुंजा, बकवास करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, गलती आपकी भी तो है। अगर कहीं लड़का देख रहे थे इसके लिए तो वहां पे फिक्स करके क्यों नंबर का अदला बदली करा दी। पापा रिश्ते स्वभाव और जज्बातों से भी बनते हैं, केवल पैसों और बड़े पद से नहीं। अमित तुमने पापा से कहना कि पंडित को लेकर जो भी बात करनी है मेरे घर पर वो कल ही करेंगे। क्या हुआ गुंजा, तुमको उदास लग रही हो? पापा मेरे लिए दूसरा लड़का देख रहे हैं, उससे शादी करने को बोल रहे हैं। गुंजा का फोन ले लो और कमरे से मत निकलने देना उसको, खाना पानी सब कमरे में ही दो जब तक शादी नहीं होती। कब होगी शादी, कब तक बंद रखोगे उसको कमरे में? मैंने कहा फोन लेके आओ। अमित मैं उससे शादी नहीं करूंगी। गुंजा दरवाजा खोलो। कौन रखते हैं मतलब बुला रहे। हेलो हेलो गुंजा, तुम्हारे पापा फोन मांगे हूँ, अंदर चलो। मम्मी अंदर चलो। मम्मी मम्मी बेटा लो चाय पी लो, फिर रोटी बनाते हैं तब खाना निकालते हैं। मम्मी आप मुझे क्यों एहसास करवा रही है, जैसे लड़की का जन्म लेना मेरे लिए गुनाह हो गया हो। परीक्षा की तारीख निकलवा लीजिए भैया आज पंडित से बात करके। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अपने लड़के की शादी कहीं और देख लीजिए, हमारी गुंजा की परीक्षा हो गई है। अरे ये क्या बात हुई, हमको बेवकूफ बनाकर आप अपनी लड़की की शादी करेंगे तो आपको क्या लगता है वो सुखी रहेगी?
आजकल जिसके पास पैसे हैं वही खुश है। वैसे गुंजा बिटिया की शादी के चक्कर में घर बढ़िया पत गया है, अब धीरे धीरे सामान सेट किया जाए। आओ इधर बैठो बैठो। हम यूँ कह रहा है कि हम गुंजा बिटिया के कमरे का ताला हटा देंगे। अरे दो चार दिन अभी और रुक जाओ, आज कुणाल बेटा बुलाई से पार गाँव मिले खातिर, मिल ली फिर बताए। हेलो, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अरे तुम यहाँ, आप इसे जानते हैं क्या? ये मेरा दोस्त अमित है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, अरे अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया ना, उसमें आईपीएस में सिलेक्शन हो गया भाई का, तो मुझे लगा वहीं सुने होंगे। याद है ना, जानते हैं हमने, इनसे हमारी बेटी गुंजन की शादी तय हो रही थी, लेकिन मना कर दिया गया क्योंकि दहेज थोड़ा ज़्यादा था। वैसे मेरी बेटी इन्हीं को पसंद करती है। आपसे उस समय बताना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, माफ़ करना बेटा। अरे एक्टिंग तो अच्छी कर लिए होते अंकल, हम दोनों लंगोटिया यार हैं। अंकल बात केवल दहेज की मैटर ही नहीं करती है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, गलत है, और गलत है भी, लेकिन दहेज के विषय में जितने गुनहगार लड़के के माँ बाप होते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुनहगार लड़की के माँ बाप भी होते हैं। अंकल मैंने आज तक बेरोजगारी की वजह से किसी लड़की को घर पर बैठे नहीं देखा, हाँ लेकिन बेरोजगार लड़के को बिना शादी के घर पर बैठे हुए जरूर देखा। क्यों क्यों अंकल? क्योंकि लड़की की शादी के लिए लड़की के पेरेंट्स को लड़का तो सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। आखिर आप लोग क्यों हम लड़कों को इतना बड़ा दिखाते हो उनके माँ बाप के सामने, उनकी क्यों इतनी इज्जत बढ़ाते हो? और हमारी जनरेशन के माँ बाप अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं कि वो दहेज ना लें। सॉरी बेटा। अरे क्या सॉरी अंकल, अभी आपको जैसे ही पता चला मैं आईपीएस हो गया हूँ, आपने तुरंत शादी के रिश्ते के लिए अपना फैसला बदल दिया। अभी आप 30 लाख देने को भी तैयार हो जाते हैं भले उसके लिए आपको अपनी सारी जमीन क्यों ना बेचनी पड़ जाए, लेकिन ये गलत है अंकल। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, दो आत्माओं का मिलन होता है, जज्बात जुड़े होते हैं एक दूसरे। आपके लिए मजाक हो सकती है शादी, हमारे लिए नहीं। नहीं हुआ हूं मैं आईपीएस, हाँ रिजल्ट आया है अभी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें। और आपको गुंजन की शादी जहां भी करनी हो आप कर दीजिए। अरे रुको बेटा, बेटा आज तक मैंने सुना था कि छोटों से भी सीखा जाता है, लेकिन आज वास्तव में मैंने सीख लिया है। मेरे समझ में आ गया है कि बेटी की इज्जत पति के पद से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और सोच से बढ़ती है। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं अंकल, तो आप बताइए अगले महीने की डेट फिक्स करा दी जाए शादी की। लालच चाहे दहेज का हो या ऊंचे पद का हो, दोनों से जुड़े रिश्ते अक्सर खोखले ही पाओगे। अगर दहेज के बल पर ऊंचे पद का रिश्ता जोड़ोगे तो अपनी बेटी को ऊंचे पद पर कभी नहीं बिठा पाओगे।